तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हैं 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जिसमें 11th केमिस्ट्री के लेक्चर्स काफ़ी सारे लेसन आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाए थे। इनफैक्ट ये जो लेसन हम लोगों ने शुरू किया है इसका लेक्चर नंबर 1 भी आप लोगों को राहुल सर ने पढ़ाया था, और उसके बाद से बच्चों जितनी भी चैप्टर्स हैं वो आप लोग को मैं कवर करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे चैप्टर्स राहुल सर ने पढ़ाए हैं और काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ाए, तो राहुल सर और मेरी थोड़ी सी जुगलबंदी के साथ हमने इस चैप्टर्स को लेसन्स को कंप्लीट करवाया है, सही है। सो बच्चों आई होप आप लोग को मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में। हम लोगों ने शुरू किया था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, सही है, और इस लेसन के ऑलरेडी कई सारे लेक्चर्स आ चुके हैं हमारे चैनल पर। अगर आप देखोगे तो दिस इज़ लेक्चर नंबर 5, इसका मतलब ऑलरेडी 4 लेक्चर अवेलेबल है हमारे चैनल पर। तो अगर आपने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लेना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। दिस इज़ द बेस लेसन, अगर आप 12th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो तो हर लेसन में इसका कोई ना कोई पार्ट आपको काम आएगा ही आएगा, सही है। यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना सीखा, कई सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ सीखी है, सही है, किसी भी इलेक्ट्रॉन का, अभी और भी चीज़ें सीखोगे आप, ठीक है। तो पीरियड में कि कौन से इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, कौन से एटम किस तरीके से एक्ट करते हैं, किसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, केमिकल प्रॉपर्टी कैसी है, सो दीज आर द थिंग्स। अगर आप इस लेसन को अच्छे से पढ़ोगे तो 11th स्टैंडर्ड के साथ साथ आपका 12th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में भी आपको इसका फायदा देखने के लिए मिलेगा, सही है। सो हम लोगों ने ऑलरेडी 4 लेसन लेक्चर कंप्लीट किए हैं, दिस इज लेक्चर नंबर 5। आज के इस लेक्चर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग समझेंगे बच्चों इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको ENC या फिर जिसे हम लोग Z इफेक्टिव भी बोलते हैं, इसका मतलब क्या है, और हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट। नाउ दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट अगर आप आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, बिकॉज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी कंसेप्चुअल केमिस्ट्री, सही है। तो अगर आप आगे चल के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री डिटेल में समझना चाहते हो 12th स्टैंडर्ड में, तो प्लीज़ आज के इस लेक्चर को और इसके पहले जितने भी लेक्चर्स बनाए हैं, इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं इस लेसन के, वो सब ध्यान से देखना, ठीक है, चलेगा। एक और चीज़ आपको बता दूं कि आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया तो इसे ज़रूर से कर लेना अपने फ़ोन में, और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट होता है केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, चलेगा बच्चों। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। अच्छा, ये सारे टॉपिक्स शुरू करने से पहले, पीरियोडिक ट्रेंड शुरू करने से पहले, लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि जो चीज़ मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में पढ़ाई थी, क्या पढ़ाया था मैंने आपको ब्लॉक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ाए थे ना, अलग अलग ब्लॉक्स के अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ हैं, मैंने आपको एस का पढ़ाया, पी का पढ़ाया, डी का पढ़ाया, एफ का पढ़ाया, सबके पढ़ा दिया मैंने, सही है। तो उसके ऊपर मैंने आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल सोचा था कि मैं आपको करवाऊँ, जो कि आपकी ही टेक्स्ट बुक से लिया गया है, सही है। तो यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है बच्चों, जो ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है। देखो क्या बोल रहा है ये बुक, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्लोराइड्स ऑफ टू मेटल्स, दो अलग अलग मेटल्स हैं जिनके क्लोराइड फॉर्म, जिसके क्लोराइड फॉर्म अगर हम लोग केमिकली लेबोरेटरी में हम लोग टेस्ट करते हैं, केमिकल बनाते हैं, तो बोथ आर कलरलेस, दोनों के दोनों क्या है बच्चों, कलरलेस है, मतलब कलरलेस लिक्विड हो सकते हैं, गैस हो सकते हैं, कुछ भी। वन ऑफ द मेटल रिएक्ट विगरसली विथ वाटर, इसमें से कोई एक ऐसा मेटल है जो बहुत ही ज्यादा वाटर के साथ रिएक्ट करता है, विगरसली रिएक्ट करता है, एंड द अदर रिएक्ट स्लोली, और जो दूसरा मेटल है वो स्लोली क्या होता है बच्चों, रिएक्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, प्लेस द टू मेटल इन द एप्रोप्रिएट ब्लॉक इन द मॉडर्न सॉरी पीरियोडिक टेबल, समझ रहे हो। तो इसने क्या कहा है, इसने ये कहा है बच्चों कि भैया हमारे पास दो ऐसे मेटल है जिसके क्लोराइड फॉर्म, जैसे कोई भी हो सकता है, मैं एम लिखता हूं, M1 और M2, हमारे पास दो ऐसे मेटल हैं और इन दोनों मेटल के क्लोराइड फॉर्म, मतलब इधर भी Cl और इधर भी Cl, ये हमारे पास है, सही है। अब इसमें से जो एक मेटल है ये बहुत ही ज्यादा विगरसली रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, किसके साथ रिएक्ट हो रहा है बच्चों, वाटर के साथ, मतलब अगर मैं इसको पानी के अंदर ऐड करूं तो विगरस रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलती है, ऐसे लिख लो यहां पे, विगरस रिएक्शन हमको देखने के लिए मिलती है, सही है। वही जो आपका दूसरा मेटल का क्लोराइड फॉर्म है, इसको जब मैंने पानी के अंदर डाला तो भैया ये इतना विगरसली रिएक्ट नहीं करता, ये स्लो रिएक्ट करता है, ये क्या करता है बच्चों, स्लोली रिएक्शन को शो करता है, सो इट रिएक्ट विगरसली, विगरस रिएक्शन, ये भैया स्लो रिएक्ट करता है, धीरे धीरे रिएक्ट करता है। नो आई हैव टू जस्टिफाई कि भैया कौन से मेटल कौन से ब्लॉक का है, ये हमको बताना पड़ेगा। तो हमारे पास कितने ब्लॉक है बच्चों, 4 ब्लॉक है, एक आपका एस ब्लॉक, एक आपका पी ब्लॉक, एक आपका डी ब्लॉक,
सही है, और एक आपका एफ ब्लॉक, सही है, ये चार ब्लॉक है हमारे पास। अब इसमें से आप सबसे पहले निग्लेक्ट कर दो एफ ब्लॉक को, एफ ब्लॉक को भैया सबसे पहले निग्लेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर आपने लास्ट का लेक्चर देखा होगा, अगर आपको इसके आगे के टॉपिक पढ़ने तो आप डायरेक्टली वहां पर ये कर सकते हो, स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट और डायरेक्टली आगे के टॉपिक्स पर जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात है। चलो इसके ऊपर आते हैं। तो भैया अगर आप बात करो तो एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एफ ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं बच्चों, वो सारे के सारे क्या हैं? वो सारे के सारे रेडियो एक्टिव है। और रेडियो एक्टिव चीजों को हम लोग लैबोरेटरी में टेस्ट नहीं करते भैया। और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन क्या दिया गया, कॉमन लैबोरेटरी, कॉमन मतलब नॉर्मल जो हमारे कॉलेज की लाइब्रेरी होती है। तो क्या आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में यूरेनियम पड़ा है? नहीं पड़ा होगा, बिकॉज दीज आर द रेडियो एक्टिव कंपाउंड। तो रेडियो एक्टिव कंपाउंड को हम लोग कभी भी यूज नहीं करेंगे, मतलब एफ ब्लॉक को तो पहले से ही आप क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। सही बात है। अब बचे आपके पास तीन ब्लॉक, एक एस, एक पी और एक डी। सही बात है। एस ब्लॉक में भी मेटल होते हैं, पी ब्लॉक में भी मेटल होते हैं और डी ब्लॉक में भी मेटल होते हैं, पर पी ब्लॉक में मेटल से ज्यादा आपको नॉन मेटल देखने के लिए मिलेंगे। सही है, पी ब्लॉक में मेटल से ज्यादा आपको नॉन मेटल्स देखने के लिए मिलेंगे। एंड दीज, इसके अंदर जो मेटल भी होते हैं वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते नहीं वाटर के साथ। तो मतलब यहां से आप पी ब्लॉक को भी क्या करोगे, निग्लेक्ट कर दोगे। नाउ अब आपके पास बचा एक एस ब्लॉक और एक डी ब्लॉक। एस ब्लॉक अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे साथ लास्ट वाला लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव। समझ रहे हो, एस ब्लॉक के एलिमेंट बहुत रिएक्टिव होते हैं। ये भी रिएक्टिव होते हैं पर ये इतने ज्यादा नहीं होते। कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है बच्चों? एस ब्लॉक ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो फ्रॉम दिस कंक्लूजन यू कैन राइट हियर कि भैया ये जो एम वन होगा जो विगरसली रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, ये जो एम वन है बच्चों, दिस एम वन बिलोंग्स टू, जस्ट अ सेकेंड, दिस एम वन बिलोंग्स टू एस ब्लॉक बिकॉज इट रिएक्ट विगरसली। और ये जो एम टू है जो आराम से रिएक्ट कर रहा है बच्चों, दिस बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। समझ रहे हो? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने किस बेसिस पे बताया बच्चों। आपका जो M1 है वो किस कौन से ब्लॉक से बिलोंग करेगा? S ब्लॉक से, बिकॉज इट रिएक्ट विगरसली इन वाटर। और मैंने आपको बताया है S ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है बहुत फास्ट रिएक्ट करते, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। एंड वहीं पे अगर आप बात करो D ब्लॉक, तो D ब्लॉक भी रिएक्ट करते हैं पर इतना ज्यादा रिएक्शन नहीं शो करते, ठीक है, इतना ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो नहीं करते। समझ में आई बात? ठीक है, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, समझ रहे हो? सो दीज आर द मेटल्स विच कैन रिएक्ट बट दे जनरली डोंट रिएक्ट दैट विगरसली, ना विगरसली वो रिएक्शन शो नहीं करते। बात समझ में आ गया? सो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आ गया होगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, चलेगा। अब बच्चों हम लोग को पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स, ठीक है, हमको पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स। हमको ये अलग अलग चीजें हम लोग पढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ेंगे क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, सही है, और उसके अंदर देखेंगे हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड्स कि अगर आप ग्रुप में मूव करोगे, लेफ्ट टू राइट मूव करोगे अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो आपको जेड इफेक्टिव कैसा देखने मिलेगा, क्या जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, क्या जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, कैसा देखने मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप पीरियड में मूव होता है लेफ्ट टू राइट, सॉरी, अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे मूव करोगे तब आप पीरियोडिक ट्रेंड आपको कैसा देखने के लिए मिलेगा, ये हमको पढ़ना है पीरियोडिक ट्रेंड्स में। तीन प्रकार के पीरियोडिक ट्रेंड्स हमको पढ़ने हैं, एक एलिमेंटल, एक फिजिकल और एक केमिकल। मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इस चार्ट को अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद मैं आपको इसको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। तो ये एक चार्ट है, कंप्लीट चार्ट नहीं है पर ये एक चार्ट है बच्चों, इसको थोड़ा सा अपने बुक में रख लो, इन लिखना, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग बच्चों आगे बढ़ेंगे। ले लिया, चलो आगे बढ़ते, सुनो ध्यान से, सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। पीरियोडिक ट्रेंड्स की बातें हमें करनी है। पीरियोडिक ट्रेंड्स मतलब क्या, मैंने आपको अभी बताया कि अगर आप ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो आपको चीजें कैसे देखने के लिए मिल रही हैं, ठीक है, अलग 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 प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, क्या वो प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, क्या वो डिक्रीज होती है, कैसे देखने के लिए मिलती है। वहीं ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो तो आपको ट्रेंड कैसा देखने के लिए मिलता है, यही चीज हम लोग स्टडी करेंगे इस पूरे टॉपिक के अंदर। और इतना स्टडी कर लोगे फिर आपका लेसन खत्म हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। अब पीरियोडिक ट्रेंड में हमको तीन चीजें पढ़नी है, जैसा मैंने तुम लोग को अभी बताया। कौन कौन सी तीन चीजें हैं बच्चों? सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बच्चों एलिमेंटल प्रॉपर्टीज, ठीक है, एलिमेंट की प्रॉपर्टीज। दो रिएक्शन इसमें पढ़नी है जो इसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, एलिमेंटल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट इन
फिजिकल प्रॉपर्टी, पीरियोडिक ट्रेंड इन फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड देन पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल प्रॉपर्टी। इसका मैंने पीछे लिखा हुआ, अगले वाले पेज पे दिखाऊंगा तुम लोगों को, यहाँ पे जगह कम पड़ गया था। अगर मैं बात करूं बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड इन एलिमेंटल प्रॉपर्टी में, तो इसमें हम लोग को दो चीजें समझनी है, दो चीजें पढ़नी है। एक आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको हम लोग ई एन सी पी आर से बुलाते हैं, या फिर इसी को ही आप कह सकते हो, और इसी को ही आप कह सकते हो बच्चों जेड इफेक्टिव, ऐसे लिखेंगे ऐसे, इसी को आप कह सकते हो जेड इफेक्टिव, समझ रहे हो, ठीक है। ये हमको पढ़ना है कि आखिरकार ये क्या होता है, पहले हम लोग समझेंगे, डेफिनेशन में लिख कर लाया हूं, डेफिनेशन आपको बताऊंगा, समझाऊंगा क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि पीरियड्स में, अपने इसमें पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसा है। अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, समझ रहे हो। फिर हम लोग पढ़ेंगे बच्चों स्क्रीनिंग या फिर शील्डिंग इफेक्ट, ये क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी केमिस्ट्री का, ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट क्या होते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होते हैं, इसका भी डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, इसको भी समझाऊंगा, और इसके बारे में भी हम लोग ये देखेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे आते हो पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपका शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक। फिर आता है बच्चों आपका फिजिकल प्रॉपर्टी, नेक्स्ट थिंग आता है आपका फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी आपके एलिमेंट्स में कौन कौन सी चीज हो सकती है बच्चों, आपका एटॉमिक रेडियस, आपका आयोनिक रेडियस, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, किसी बॉन्ड को ब्रेक, किसी भी आयन्स को अलग करने के लिए जो एनर्जी लगती है, दैट इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। फिर बच्चों इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फिर आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये सब समझाऊंगा आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टर्म है अगर आप केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हो ना, सो दीज आर वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म अगर आप सीखना चाहते हो आगे चल के। सो ये भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके, और इनके अंदर भी हम लोग पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे, हम लोग समझेंगे कि अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो अपना पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या इंक्रीज होगा, क्या डिक्रीज होगा, कौन से मेटल में ज्यादा, किस ब्लॉक में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किस ब्लॉक में कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, समझ रहे हो, ठीक है। ये चीज आपको 12th स्टैंडर्ड में क्या, अब जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, अगर मान लो आपने आगे चल के केमिकल इंजीनियरिंग करने की सोचा, या फिर आगे चल के आप बैचलर्स करने गए या मास्टर्स करने गए, या फिर आगे चल के आपको पीएचडी करनी है, जब तक आप केमिस्ट्री के साथ जुड़े रहोगे ना, ये सारी चीजें, ये पीरियोडिक टेबल आपके काम आएगा, ये पीरियोडिक टेबल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इससे बेटर यही है कि इसको अभी से समझ के रख लो, बहुत हार्ड चीज नहीं है, एकदम रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत लल्लू पल्लू चीज़ है। फिर हमारा थर्ड टॉपिक आता है बच्चों इन केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे। अब इसका यहाँ पे जगह नहीं था तो मैंने पीछे लिखा है, आ जाओ देखते हैं। हाँ ये वाला, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पीरियोडिक ट्रेंड इन वैलेंसी, वैलेंसी की बात करेंगे, वैलेंसी क्या इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, पीरियोडिक ट्रेंड देखेंगे उसका। फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों पीरियोडिक ट्रेंड इन मेटालिक या फिर नॉन मेटालिक कैरेक्टर, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस। और लास्टली हम लोग बात करेंगे पीरियड्स पीरियोडिक ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, वी गोना टॉक अबाउट कि जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या फिर ऊपर से नीचे आ रहे हो तो आपकी केमिकल रिएक्टिविटी चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, क्या वो इंक्रीज हो रही है, क्या वो डिक्रीज हो रही है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस। समझ रहे हो, इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया, समझ रहे हो। तो बच्चों इतने टॉपिक हमको पढ़ने हैं, इतनी चीजें हमको पढ़नी है और हमारा विषय खत्म, मतलब लेसन खत्म, समझ रहे हो, ठीक है। चलो पहले से शुरुआत करते हैं, शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ना है, एलिमेंटल प्रॉपर्टी। एलिमेंटल प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली चीज है वो हमको पढ़नी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जिसको प्यार से हम लोग ई एन सी भी कहते हैं या फिर जेड इफेक्टिव भी कहा जाता है। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। चलो आ जाओ, अब देखो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, पर मैं चाहता हूं कि मैं आपको पहले समझाऊं क्या होता है, उसके बाद आप डेफिनेशन रीड करो, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात हम लोग करेंगे। अब ध्यान से सुनो, यहां से थोड़ा सा टॉपिक बिल्ड होता है, कंसेप्ट बिल्ड होता है। सपोज दैट यू हैव एन एटम, आपके पास कोई भी एक एटम है, रैंडम एटम, यहां पर उसके सेंटर में क्या होता है, प्रोटॉन, यहां पे प्रोटॉन है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या होता है बच्चों, पॉजिटिवली चार्ज। इसके आजू बाजू यहां पर लगे हुए होते हैं शेल, दीज आर द शेल, और यू कैन
राइट एज अ ऑर्बिट, दीज आर द ऑर्बिट प्रेजेंट अराउंड द आपके प्रोटॉन्स, ठीक है, और यू कैन से दिस इज न्यूक्लियस, ये क्या हो गया आपका न्यूक्लियस हो गया, यहां पे लिख दूं, दिस इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस किससे बना है, न्यूक्लियस बना है बच्चों प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से, दो चीजों से आपका न्यूक्लियस बना हुआ है। प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड न्यूट्रॉन्स आर द न्यूट्रल स्पीशीज, इसीलिए देखो ये पॉजिटिव चार्ज है न्यूट्रल है, इसीलिए आपका जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज के अराउंड अराउंड कुछ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, देयर आर सम स्ट्रक्चर्स यहां पे बच्चों क्या घूम रहे हैं, दीज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन, यहां पे भी होंगे और यहां पे भी हर जगह होंगे, समझ रहे हो, दीज आर द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, सारे नेगेटिव चार्ज समझ रहा हूं, ये आपको पता है, ये आपने बचपन में सीखा है कि बीच में प्रोटॉन होता है साथ में न्यूट्रॉन होता है, इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस के अराउंड अराउंड ऑर्बिट होता है और उस ऑर्बिट में क्या घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, यू नो दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अब आपने एक और बात सीखी है बचपन में, देखो एक और बात आपने बचपन में सीखी है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दे बोथ अट्रैक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वही अगर मान लो सेम चार्ज हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यही मान लो अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यही नेगेटिव चार्ज आ गया, ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। सो यू नो दिस वेरी ना, आपको पता है ये चीज, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट एंड ये दोनों क्या करते हैं बच्चों, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों, रिपेल करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है और इसके अराउंड अराउंड नेगेटिव चार्ज है, तो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है बच्चों, अपनी तरफ खींचता है, पुल करने की कोशिश करता है, समझ लो, इस फिनोमिना को जब पॉजिटिव चार्ज आपका जो न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है ना, जब वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, दिस फिनोमिना इज नोन एज न्यूक्लियस चार्ज, ठीक है, इसको न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं, बात समझ में, ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ गया, न्यूक्लियर चार्ज इज अ वेरी सिंपल थिंग, जब आपका पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, दिस थिंग इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज, समझ में आई बात, पर हमको तो पढ़ना है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या, अब देखो ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, बात सही है, ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींच रहा है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पॉजिटिव चार्ज सबको क्या कर रहा है, अपनी तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, सो यहां पर क्या लग रहा है, न्यूक्लियर चार्ज लग रहा है, बात सही है, ये आप लोग को समझ में आ गया, पर ध्यान से सुनो, पर इस नेगेटिव के बीच में भी कुछ रिपल्शन हो रहा होगा ना, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, सुनो मैंने क्या बोला कि भैया ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, इसको भी खींच रहा है, सबको खींच रहा है ये पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियर चार्ज, बट नेगेटिव ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, दो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये बच्चों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर फेंकेंगे, भाई तू दूर जा, समझ लो, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाती है। अब मान लो ये इसको खींच रहा था, ये इस इलेक्ट्रॉन को भी खींच रहा है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन कभी पास ही नहीं आ रहे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन पास में आ ही नहीं रहे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, सही है, सो देयर इज अ रिपल्शन बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रॉन, सिमिलरली देयर इज ऑल्सो रिपल्शन बिटवीन दीज टू, समझ रहे हो, इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा, सो दिस रिपल्शन एक्चुअली डिक्रीजेस
न्यूक्लियर चार्ज, ये जो रिपल्शन है बच्चों, ये न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है। न्यूक्लियर चार्ज के इफेक्ट को क्या कर देता है बच्चों, कम कर देता है। बात समझ में आई? और कम करने के बाद अब जो न्यूक्लियर चार्ज बचा है इस रिपल्शन के बाद, अब जो न्यूक्लियर चार्ज बचा है आपके एटम के अंदर, दैट न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नहीं समझा, समझाता हूं, सुनो। सपोज दैट बच्चों, पहले मान लो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, तो पहले बच्चों मान लो 100 न्यूक्लियर चार्ज था, 100 न्यूक्लियर चार्ज था, ठीक है। बट ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे, एक दूसरे को रिपेल कर रहे, एक दूसरे को पास आने आने नहीं दे रहे। तो भैया मान लो इलेक्ट्रॉन का जो रिपल्शन है वो मान लो 25 न्यूक्लियर चार्ज का है। 25 न्यूक्लियर चार्ज में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, खुद को रिपेल कर रहे हैं। तो अगर आप नेट न्यूक्लियर चार्ज निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 100 माइनस 25 करना पड़ेगा आपको, क्योंकि भैया ये अपोजिट फोर्स लग रहा है ना, ये तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है पर ये रिपल्शन की फोर्स लग रहा है। तो टोटल अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना है, तो यू कैन माइनस, यहां पे आएगा बच्चों आपका 75। तो ये जो वैल्यू मिली है ये है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इफेक्टिव। दिस इज नॉट ओनली न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है बट इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का रिपल्शन भी तो हो रहा है ना, तो दिस थिंग इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को हम लोग बोलते हैं जेड इफेक्टिव, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। क्लियर है, समझ में आ गया? आई होप आपको ये पिक्चर समझ में आ गई होगी जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। नाउ अब आप बच्चों, अरे शील्डिंग फैक्टर कहाँ गया, अब आप बच्चों इस डेफिनेशन को रीड करो, अब शायद आपको ये डेफिनेशन समझ में आ जाए। डेफिनेशन क्या कहती है, द नेट न्यूक्लियर चार्ज, जो मैंने आपको समझाया, नेट मतलब आपको निकालना है रिपल्शन को माइनस करके जो निकालना है, दैट इज नेट। द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ईएनसी, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसी को आप क्या कह सकते हो बच्चों, जेड इफेक्टिव। इसी को आप क्या कह सकते हो, जेड इफेक्टिव। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई? सो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। बहुत से सिंपल सा डेफिनेशन है, द नेट न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों इसका, और इसके बाद वाले का भी दिखाता हूं मैं आपको, उसका भी स्क्रीनशॉट ले ले, ले लिया, इसका भी ले लो, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोग। ओके नेक्स्ट, अब हमारा अगला टॉपिक है बच्चों शील्डिंग इफेक्ट। अच्छा हम लोग पढ़ेंगे, ट्रेंड पढ़ेंगे हम लोग, टेंशन मत लो, इसको पढ़ाने के बाद मैं आपको ट्रेंड सिखाऊंगा कि ट्रेंड क्या है उसके। नेक्स्ट टॉपिक इज शील्डिंग इफेक्ट, इसका भी डेफिनेशन है हमारे पास, बट एज यूजल हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पहले एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, समझेंगे पहले। सो वी हैव टू शील्ड, शील्डिंग, ठीक है, वी हैव टू स्टडी अबाउट शील्डिंग इफेक्ट। बात समझ में आ रही है? चल सेम सेम कंसेप्ट, बीच में है प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, साइड साइड में है ऑर्बिट, सपोज दैट दिस इज एन ऑर्बिट, और इस ऑर्बिट में क्या प्रेजेंट है, इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सपोज दैट, समझ लो मान लो एक और ऑर्बिट है, सपोज दैट यहां पे एक और ऑर्बिट है, बड़ा एटम है, ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, देखो दीज आर वन ऑफ द टॉपिक जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। दिस इज पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाजू बाजू में ई ई ई जो मैंने लिखा है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिवली चार्ज। बात समझ में आ रही है? ओके वेरी गुड। देखो मैंने आपको समझाया, एक चीज मैंने आपको बताई कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होता है रिपल्शन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन बीच में क्या होता है, रिपल्शन। तो मतलब इसके बीच में भी रिपल्शन होगा, 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 यहाँ पे भी रिपल्शन देखने मिलेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है ना, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होता है, तो ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, ये इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने नहीं देते। सुनो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुनो, समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, दीज इलेक्ट्रॉन,
दीज इलेक्ट्रॉन विल नेवर अलाउ ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को कि वो अंदर की तरफ आ पाए, बिकॉज देखो अब यहां पे प्रोटॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों को अट्रैक्ट होना चाहिए पर ये अट्रैक्ट नहीं हो पाते, क्यों? बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसको रिपेल करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको क्या करता है, रिपेल करता है। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को अंदर आने नहीं देते। तो मैं इसको इस तरीके से कह सकता हूं कि दीज इलेक्ट्रॉन आर शील्डिंग, क्या कर रहे हैं बच्चों, शील्ड लेके खड़े हुए। जैसे आप लोगों ने लड़ाइयां देखी होगी ना, तो लड़ाइयां में शील्ड लेके खड़े होता है कोई आदमी, सही है, उस शील्ड के आर पार ना कोई तलवार जा सकती है, समझ, तलवार धनुष वनुष जो मारते हैं ना ऐसे, वो सब उस तलवार शील्ड के आसपास नहीं जा सकती। या फिर अभी जो वॉर्स होती है उनके अंदर तो ऐसे बुलेट प्रूफ वो रहती है ना शील्ड, जिसके आर पार बुलेट नहीं जा पाती, समझ लो। सो वो शील्ड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को क्रॉस होने ना देना। तो यहां पे दीज इलेक्ट्रॉन आर एक्टिंग एज अ शील्ड टू प्रोटेक्ट अवर, प्रोटेक्ट तो नहीं कह सकते, टू आप लोग कह सकते हो कि भैया ये इलेक्ट्रॉन अंदर ना आ पाए, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको रिपेल करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन एक शील्ड की तरह एक्ट करते हैं, एक स्क्रीन की तरह एक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर नहीं जा पाते। इस इफेक्ट को ही हम लोग कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। बहुत ही सिंपल, क्या था, कुछ नहीं, दिस इफेक्ट इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट बिकॉज दिस इलेक्ट्रॉन आर एक्ट एज अ शील्ड एंड इट डज नॉट अलाउ टू पास द इलेक्ट्रॉन एनी इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम, समझ रहे हो, ठीक है। तो बाकी कोई इलेक्ट्रॉन इनके अंदर से पास ना हो पाए, जिसकी वजह से ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं बच्चों, एज अ शील्ड की तरह काम करते हैं, और इसी इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब आ जाओ इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, और कुछ नहीं है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। शील्डिंग इफेक्ट क्या है, द इफेक्ट ऑफ द आउटर इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन ऑन द इनर इलेक्ट्रॉन, बाहर के इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो इफेक्ट डाल रहे हैं, जिसके रिजल्ट में हमको क्या देखने के लिए मिल रहा है, शील्डिंग ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, मतलब बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से क्या हो चुके हैं, शील्ड हो चुके हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को देख भी नहीं पा सकते, उनके ऊपर उनके पास जा भी नहीं सकते, क्योंकि इनर के इलेक्ट्रॉन इनर इलेक्ट्रॉन से शील्ड लेके खड़े हुए, समझ रहे, ऐसा इमेजिन करो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। इसी चीज को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है और क्या नहीं, ठीक है, समझ में आया। समझ में आ गया बच्चों, ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो शील्डिंग इफेक्ट समझ में आ गया, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी था, बहुत इजी, कुछ नहीं, ये ऐसे ढाल बन के खड़े रहते, जिसके वजह से आउटर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ ना आ पाए, इसी को हम लोग शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। नाउ अब हमको समझना है कि भैया व्हाट इज द पीरियोडिक ट्रेंड, इनके अंदर पीरियोडिक ट्रेंड कैसे देखने के लिए मिलेंगे। तो पीरियोडिक ट्रेंड कैसे देखने के लिए मिलता है, एक हम लोग को पीरियोडिक ट्रेंड ऐसे देखने के लिए मिलता है, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओ, जब आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो ना बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, शेल इंक्रीज नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होने की वजह से साइज छोटा होते जाता है। तो मतलब मान लो एक आपका इलेक्ट्रॉन ऐसा है, मान लो ऐसा है, शेल अभी भी उतना ही है, दूसरा इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा, दूसरा एटम कैसा होता है, थोड़ा छोटा, उसके बाद वाला एटम और छोटा हो जाएगा, उसके बाद वाला एटम और छोटा हो जाएगा, समझ रहे हो। तो अगर आप देखो, अगर आप पीरियड्स में बच्चों लेफ्ट टू राइट मूव करोगे, तो आपके एटम का साइज कम होने लगता है। वहीं अगर आप ग्रुप में ऊपर से नीचे आओ, दिस इज ग्रुप मूवमेंट, अगर आप ऊपर से नीचे आओ तो एक नया शेल ऐड होता है, यहाँ पे दो शेल है, तो यहाँ पे जो एटम बनेगा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे तो एटम बनेगा, जैसे एक ये ऐसा, यहाँ पे दो शेल है, यहाँ पे तीन शेल बनेगा, उसके बाद यहाँ पे तीन शेल था तो यहाँ पे चार शेल बनेगा, उसके बाद पांच शेल बनेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे अगर आप देखोगे, ध्यान से अगर आप सुनोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि जब आप पीरियड में मूव करते हो बच्चों, तो आपके एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज होते चले जाता है, आपके एटम्स का साइज क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। वहीं अगर आप ग्रुप में मूव करोगे, ऊपर से नीचे की तरफ ग्रुप में मूवमेंट दिखाओगे, तो वहां पे शेल इंक्रीज होता है, जिसके वजह से साइज भी क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ऐसे साइज डिक्रीज, ऐसे साइज इंक्रीज। अब हमको देखना है बच्चों दो चीजें, हमको ये समझना है
कि जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट कैसे देखने के लिए मिलते हैं, शील्डिंग इफेक्ट कैसे देखने के लिए मिलते हैं अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप, ठीक है, अलोंग द पीरियड एंड अलोंग द ग्रुप। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों पीरियड की। अगर आप देखो ध्यान से, जब आप अलोंग द पीरियड मूव कर रहे हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते हैं जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होता है। जितने प्रोटॉन भी बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्शन होगा दोनों के बीच में, उतना ही ज्यादा दोनों क्या होंगे अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से साइज क्या होने लगता है छोटा छोटा होने लगता है। अब जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, उतना ही इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा बच्चों ज्यादा होगा। सो इन पीरियड अगर आप पीरियड में मूव करते हो सो आपका जो Z इफेक्टिव का वैल्यू है, तो दूसरे कलर से लिखते हैं, आपका जो Z इफेक्टिव का वैल्यू है बच्चों विल इंक्रीजेस। समझ में ही बात, आपका जो Z इफेक्टिव है बच्चों वो क्या होता है इंक्रीजेस, विल इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। पीरियड के साथ क्या होता है बच्चों वो इंक्रीज होने लगता है। वहीं अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करो तो शील्डिंग इफेक्ट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट में ज्यादा दिक्कत होती नहीं क्योंकि ये नहीं इंक्रीज होना, शेल इंक्रीज नहीं हो रहे। शील्डिंग इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, शेल्स पे डिपेंड करता है। जितने ज्यादा शेल उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, जितना ज्यादा शेल उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। भैया यहाँ पे शेल इंक्रीज ही नहीं हो रहे, उतने ही शेल है, तो यहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट पे नो इफेक्ट आएगा। अगर आप शील्डिंग पे देखोगे, अगर आप शील्डिंग इफेक्ट की बात करोगे तो इसमें आपको नो चेंज देखने के लिए मिलेगा, समझ रहे हो, इसमें आपको नो चेंज देखने के लिए मिलेगा। आप कह सकते हो कि भैया यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, समझ में आई बात, ठीक है, कांस्टेंट रहता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट अलोंग द ग्रुप। यहाँ का स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लिया, ओके, अब मैं मिटा रहा हूँ इसको, इसलिए मैं हटाता था कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, क्योंकि जगह नहीं है ना। ओके, नाउ वी विल टॉक अबाउट सेकेंड यानी अलोंग द ग्रुप। अगर आप अलोंग द ग्रुप मूव होते हो तब क्या होगा, अगर आप अलोंग द ग्रुप मूव होते हो बच्चों तो देखो यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, शेल इंक्रीज हो रहा है। अगर आप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है, ठीक है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू कम होती है, क्योंकि मैंने आपको सिखाया ना जेड इफेक्टिव क्या होता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपल करे, जितने ज्यादा शेल होंगे उतना ज्यादा रिपल्शन होगा। तो अलोंग द ग्रुप अगर आप मूव करोगे, ठीक है, तो जेड इफेक्टिव विल डिक्रीज, और अगर जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो दूसरा शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। मैंने आपको बताया ना शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट विल इंक्रीज, समझ रहे हो, सिंपल है ना। जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल होंगे उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट, ये दिमाग में डाल के रखो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ शेल उतना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीनशॉट ले लो, आई होप आपको इसे बढ़िया से समझ में। चलेगा, आगे बढ़े, लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा, अब हम लोग शुरू कर रहे हैं बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज की बातें, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहला हमको पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, ठीक है। एटॉमिक रेडियस मतलब क्या होता है, इसका डेफिनेशन पहले लिख लो। हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। क्या मतलब है,
द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. अब ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस क्या बला है समझेंगे. बिटवीन टू एटम इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस. क्या होता है समझो. सपोज दैट दो एटम है एंड बोथ द एटम्स आर अटैच्ड लाइक दिस. सपोज दैट बच्चों बोथ द एटम्स आर अटैच्ड लाइक दिस. दीज आर द टू एटम्स. ये इसका प्रोटॉन होगा. ये प्रोटॉन नहीं सॉरी, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस. इसको हम लोग क्या बोलते हैं न्यूक्लियस. अब अगर मैं बात करूं बच्चों, दिस इज अवर एटम ए. मान लो ये है अपना एटम ए, ये है अपना एटम बी. इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक जो डिस्टेंस होता है, इसके न्यूक्लियस से लेके इसके न्यूक्लियस तक ये जो डिस्टेंस होता है, दिस डिस्टेंस इज नोन एज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटर मतलब दो, इंट्रा मतलब सिंगल, एक ही बात करते हैं ना हम लोग एक ही एटम में. इंटर की बात कर रहे हैं मतलब दो अलग अलग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं. तो मतलब दो अलग अलग एटम, बिटवीन टू एटम लिखा है ना यहाँ पे, मतलब दो अलग अलग एटम के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, दो अलग अलग एटम के जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज नोन एज दैट डिस्टेंस इज नोन एज दिस, यानी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. तो मतलब ये है आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. इसी को आप डायमीटर बोल सकते हो. अगर आपको रेडियस निकालना है, एटॉमिक रेडियस निकालना है, तो क्या होगा बच्चों, दिस इज हाफ ऑफ, ये क्या है, हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. मतलब आपको कुछ नहीं करना है. मतलब अगर आपको एटॉमिक रेडियस निकालना है तो आप क्या करोगे, आपका जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको आप क्या करोगे, डिवाइड बाय टू कर दोगे. जो भी आपका इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है इसको क्या करोगे, डिवाइड बाय टू कर दोगे. तो आपको क्या मिल जाएगा, एटॉमिक रेडियस. दिस इज द फॉर्मूला एंड दिस इज द डेफिनेशन. फॉर्मूला से ही आप डेफिनेशन बना सकते हो, डेफिनेशन से आप फॉर्मूला बना सकते हो. बहुत ही सिंपल है. तो क्या हो गया, द हाफ ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, दो एटम के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, इसका आधा ही क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है. इसका आधा ही क्या कहलाता है, एटॉमिक रेडियस कहलाता है. अब इसका ट्रेंड देखते हैं, पीरियोडिक ट्रेंड. पीरियोडिक ट्रेंड आई ऑफ इसका एटॉमिक रेडियस का, ठीक है, एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक ट्रेंड देखते हैं कैसा होगा बच्चों. पीरियोडिक ट्रेंड कैसे होगा, मैंने आपको बताया है, जब हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं, जब हम लोग ग्रुप में मूव करते हैं, तो मैंने आपको सिखाया साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है. पहले साइज थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर और छोटा, और फिर और छोटा. क्यों डिक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं. जितना इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जितना नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है उतना पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है. जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, ठीक है. जितना ज्यादा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही अट्रैक्शन भी क्या होगा, इनके बीच में ज्यादा देखने के लिए मिलेगा. तो भैया अगर ज्यादा होगा तो साइज क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा. वहीं अगर आप ऊपर से नीचे आओ, या पीरियड में मूव कर रहे थे ना, या पीरियड में मूव कर रहे थे, वहीं अगर आप ग्रुप में मूव करोगे यानी ऊपर से नीचे की तरफ, तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चों, एक नया शेल ऐड होता है. यहाँ पे दो शेल है तो यहाँ पे तीन शेल, यहाँ पे तीन शेल है तो यहाँ पे चार शेल, समझ रहे हो. तो नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं. अगर आप नंबर ऑफ शेल इंक्रीज करोगे तो डिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो यहां से आप लिख सकते हो, पहला पॉइंट एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस अलोंग द पीरियड, ठीक है. मतलब अगर आप पीरियड में मूव करोगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, देखने के लिए मिल रहा होगा. साइज कम होता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से. और दूसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हो, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस अलोंग विथ ग्रुप. मतलब ग्रुप में क्या होगा, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पे शेल नंबर एक्स्ट्रा ऐड होते जाते हैं. क्लियर है, समझ में आ गया बच्चों, ठीक है. तो आई होप आप लोग को एटॉमिक रेडियस भी समझ में आ गया.
अब इसके आगे के जो है एटॉमिक रेडिया है, फिर हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के लिए रखते हैं। ऑलरेडी ये लेक्चर काफी बड़ा हो गया, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा, जितनी भी चीजें मैंने आपको सिखाई है वो चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैं मिलूंगा बच्चों आप लोगों से ऐसे ही दूसरे वीडियो में, जहां पे हम लोग और नई नई चीजें समझेंगे सीखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडी। बाय बाय।